जी पहला स्टॉक कौन सा? सर मेरा फर्स्ट है आईडीएफसी फर्स्ट है, जो मैंने मतलब 33 से लेकर 29 के अमाउंट में मैंने इसको लिया था, मेरे 20,000 शेयर्स थे जिसमें से मैं 10,043 में इसको निकाल चुकी हूँ, एग्जिट कर चुकी हूँ, बट 10,000 शेयर्स अभी भी हैं, मुझे इनको रखना चाहिए या इसमें क्विट कर देना चाहिए, मुझे थोड़ी सी इसके लिए एडवाइस चाहिए। गजब है भाई, भाव तो बढ़िया है, क्वांटिटी भी बहुत तगड़ी थी, बढ़िया मुनाफा बांध भी लिया आपने, फिर इसमें इतना मुनाफा हुआ तो घाटा का हुआ जो आपका नेट नेट नुकसान हो गया? खैर वो अलग का छोड़ देता हूँ उसको। आईडीएफसी फर्स्ट भाई राजेश सर 29 की बाइंग है, 10,000 शेयर अभी भी पड़े हुए हैं और 29 वाला 47-48 पे है, बढ़िया रहा इनकी एंट्री पॉइंट, मेरे ख्याल से 28-29 तो इसके शाल के लोज भी थे, तो उन लोज के आसपास इनकी बाइंग का लेवल पहुंचा हुआ है और अब बढ़िया मुनाफा बना रही है, एक बार बुक कर चुकी है, क्या व्यू बनता है? चाली जी कोई पैसे की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना? अभी रख सकते हैं ना? रखना हो तो बिल्कुल नहीं सर, रख सकते हैं। राजेश सर क्या करूं, मेरी एंट्री लेवल बहुत कंफर्ट दे रही है मुझे, 27 रुपए की। देखिए पहले तो मुबारकबाद के हकदार हैं कि इन्होंने इतने अच्छे लेवल्स पे बाइंग करी, अब ये मुनाफे पे बैठी है। बैंक के कामकाज पर नजर देखें तो इस बार के जो नतीजे आए थे सारे पायदान पे खड़े आए थे, फिर वो चाहे एनआईएम्स के हों, एसेट क्वालिटी के हों, डिपॉजिट्स के हों, एडवांसेस के हों, सब पे बैंक ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए, लॉस से प्रॉफिट में आई और मैनेजमेंट ने भी जो कमेंट्री दी उसमें भी बहुत पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर गई। लेकिन दिक्कत ये है कि 50-52 के ऊपर इस वक्त ज़्यादा दिख रहा नहीं है। मैं इन्हें ये सलाह दूंगा कि आपके पास 10,000 शेयर है, आप 2,000 की 5 लॉट बना लें और 50 रुपया से बेचना चालू करें, 5 रुपया ऊपर जाए फिर और एक लॉट बेच दें, इस तरीके से आप मुनाफा बांधती रहें। ये किसका था आईडीएफसी फर्स्ट 27 रुपए पे लेने का? फ्रेंड का था आपका था? बैठकर इसके बारे में पढ़ा था, स्टडी करी थी, देन आफ्टर हम लोगों ने लिया था। बड़ी सही स्टडी करी थी, हमने गलत बुक पढ़ ली थी। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बढ़िया रहा आपके लिए, मैं लौटता हूँ, पता नहीं समय